नंबर वार पढ़ाई पढ़ने वाले बाप के बच्चे जो बनते हैं वो सरेंडर बुद्धि बनते हैं। क्या? तन से, मन से, समय से, संपर्क से और अपने संबंधों से नंबर वार सरेंडर। जो सरेंडर होते हैं वो पूरी पढ़ाई पढ़ पाते हैं, वो फिर राज परिवार के क्या बनते हैं? हाथी बनते हैं। सरेंडर होने का अर्थ ये नहीं है कि कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गए, नहीं, मन बुद्धि सरेंडर। प्रैक्टिकल में देखने में आए कि उन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपना पूरा तन लगाया हुआ है, धन जो भी तन से धन पैदा किया है वो धन भी ईश्वरीय सेवा में लगाया हुआ है, और जन बाल बच्चे जो पैदा किए हैं या जो मित्र संबंधी बनाए हैं वो सब क्या है? जन शक्ति। उनकी दुनिया जो है बाहर की दुनिया उसमें भी कौरवों का शासन है, जो आधार मूर्तों की ब्राह्मणों की दुनिया है बेसिक नॉलेज में उनमें भी अभी राज्य कौरवों का राज्य है, और जो एडवांस पार्टी में भी अभी राम का राज्य है या कौरवों का राज्य है, अभी भी एडवांस पार्टी में कौरवों का राज्य। उनको बहुत अहंकार चढ़ा हुआ है कि हम जो करते हैं वो ही होगा, वो ही होगा। पल भूत प्रेतों का सहारा लेते हो, तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हो और शिव बाबा को पहचानते भी नहीं, नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम तो कोई कौरव की औलाद नहीं हो, कुरुवंशी नहीं हो, तुम तो किसकी औलाद हो? शिवंशी, पंडा की औलाद। क्या? पंडा माना जो रास्ता दिखाने वाले। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा पंडा कौन है? शिव बाबा। हम उसकी औलाद है, सारे संसार को रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है। लाइट हाउस जैसे हमारा बाप सारे संसार में रोशनी फैलाता है ज्ञान की, वैसे हम उसके बच्चे भी लाइट हाउस, ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे। हम किसी के अधीन होने वाले नहीं है। क्या हमारा नारा है भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में ऊंचे तो ऊंचे हम शिवाजी को समझते हैं। किसको समझते हैं? शिवाजी, शिव बाबा को। ऐसे ही भक्ति मार्ग की दुनिया में भी एक वीर हुए हैं, उनका नाम महाराष्ट्र में क्या गया था? शिवाजी महाराज। औरंगजेब इतना बड़ा सम्राट हुआ हिंदुस्तान का, उसके सामने उन्होंने हार नहीं मानी, लोहे के चने चबा दिए औरंगजेब को, लेकिन झुके नहीं। तो ये सूर्यवंशी जो बच्चे हैं वो किसी से झुकने वाले नहीं है। इनके लिए बोला है कि तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो एक बाप से, तुम कोई अनेकों से पढ़ने वाले नहीं हो, किससे पढ़ने वाले हो? एक बाप से, सिर्फ एक बाप से पढ़ने वाले हो, और किसी की बात सुनने वाले नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हमने जिसको निश्चय किया है ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के नेत्र से जिसको पहचाना है कि ये हमारा बाप है, हम उस बाप को ही फॉलो करेंगे, उस बाप की ही बात मानेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे, सुनने वाले नहीं। तो तुमको अमरपुरी में ये पढ़ाई काम आवेगी। क्या? तुम्हारी पढ़ाई अमरपुरी में काम आवेगी। और उन कौरवों की जो पढ़ाई जाती है वो कहाँ काम आती है?
कर्मों का जो मुखिया था वो कौन था? गुरु। कर्मों का मुखिया जो गुरु था, जिसका बड़े सम्राट का नाम क्या था? गुरु वंश में जो बड़ा सम्राट हुआ है उसका नाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र। सारे राष्ट्र को जिसने धर लिया, धारण कर लिया। क्या माने राष्ट्र? माने धन संपत्ति। जिसने सारी दुनिया की धन संपत्ति को अपने कब्जे में कर दिया। आज की गवर्नमेंट भी कैसी है? नई नई तरीके निकालती है कि कैसे लोगों का धन संपत्ति खींच करके अपने कंट्रोल में करती है। इनकम टैक्स के नए नए तरीके निकाले जाते हैं कि लोगों के पास कुछ न बचे, सारा हमारे पास है। जैसे बैंकों में ब्याज ही देते हैं, लोगों का पैसा बैंकों में डाला जाता है तो क्या करते हैं? महंगाई बढ़ाएंगे 15 और 20% और उसका ब्याज क्या भाव देंगे? 5% नहीं, 1%। 5% जो ब्याज देते हैं उसमें इनकम टैक्स लगा। जिस ब्याज में इनकम टैक्स नहीं लगाते हैं वो सिर्फ है 3%। तो घाटा किसको आएगा? ब्याज देने वाली बैंकों को घाटा आएगा या ब्याज लेने वाले उसमें जो पैसा डालने वाले हैं उनको घाटा आएगा? डालने वाले उनको घाटा। बैंकों से जो लोन दिया जाता है उस लोन में जब लोन लेते हैं माना पैसा बैंक वाले देंगे जब तो 15-20% ब्याज है, 12% तो कम से कम ब्याज देना ही पड़ेगा। और जब पब्लिक का पैसा लेते हैं तो कितना ब्याज देते हैं? 3% ब्याज देते हैं। तो ये सब क्या है? लोगों की धन संपत्ति अपने कब्जे में करना हुआ ना, ये कौर्मों की गवर्नमेंट है, धृतराष्ट्रों की गवर्नमेंट है। ये अंधे हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम जितना कल्याण करेंगे पब्लिक का उतना हमारा कल्याण अगले जन्म में होना ही होना है। ये पुनर्जन्म को उतना महत्व नहीं देते। और बाप आकर के बताते हैं तुम बच्चों ने तो सबसे जास्ती जन्म लिए, कितने? 84 जन्म। तो पूरा ही 84 का चक्कर लगाते हो क्या? जो गौरव गवर्नमेंट में आकर के ऊंच पद पाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां लेते हैं, वो उतना जन्म नहीं लेंगे, पूरा चक्कर नहीं काटेंगे सारी दुनिया का। तुमने तो सारी दुनिया का चक्कर काट करके अभी आकर के भगवान बाप से मिली।